देशद्रोह मामलें सालेपुर थाना कुसम्बी गांव जन युवक को गिरफ्त कर उत्तर प्रदेश पुलिस संप्रक्त युवकों नाँ सैयद हसन अहमद सोशल मीडिया और फोन कथबार्तार सैयद हसन गलवान घाटी में शहीद भारतीय जवान बाबद आपत्तिजनक मंतव्य देवा सहित प्रधानमंत्री यूपी मुख्यमंत्री विरुद्ध में अरुचिकर मंतव्य और यूपी जड़े हिंदू बाहिनी अध्यक्ष को हत्या धमक दे अभोग सैयद को ट्रांजिट रिमांड नहीं अधिक पचराउचरा कर सेपटे उत्तर प्रदेश पुलिस विश्वसनीयता पर अभियुक्त प्रश्न उठाइवा बेले सैयद बापा कहते पुओ जदि दोष करुषान हो कि गोटे हाथ में केवे भी ताली बाजे देशद्रोह मामलें सालेपुर कुसम्भी गांव जड़े युवक को उठाई नेला उत्तर प्रदेश पुलिस सोशल मीडिया रे गलवान घाटी रे शहीद भारतीय जवान को बाबद आपत्तिजनक मंतव्य देवा सह प्रधानमंत्री यूपी मुख्यमंत्री विरोध में अरुचिकर मंतव्य एवं यूपी रे जने नेता को हत्या धमक देथिबा अभियोग रे युवक सैयद हसन अहमद को गिरफ्त करिछि यूपी बागपत जिला सिंगावली थाना पुलिस अभियुक्त सैयद हसन विरोध में देशद्रोह मामला रुजु होइछि धारा 507 के आईपीसी के अधीन वो अभियोग पंजीकृत हुआ था। बाद में एविडेंस के आधार पर इसकी 22 रिकॉर्डिंग और मतलब अन्य एविडेंस के आधार पर इनके खिलाफ धारा 504 और 553A और 124A आईपीसी की वृद्धि की गई है। यूपी बागपत्र विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष कुलदीप पांचाल एतला आधार में सैयद हसन को गिरफ्त कर एसएचओ सैयद हसन को सह कथा हेबा बेले मध्य हसन धमकपूर्ण ढंग से कथा होइतबा पुलिस कहिछि। सेपटे अभियुक्त सैयद हसन को कहिबा कथा यूपी पुलिस विश्वसनीयता केते ताहा सारा भारत जानिछि। सही भली सैयद हसन को बापांकर प्रतिक्रिया हला ओ जदि देश विरोध में कौन मंतव्य देइतबा प्रमाणित हुए तबे आईन अनुसार जहाँ कार्यानुष्ठान हेबो ताहा से ग्रहण करिवे तबे गोटिए हाथ में ताली बाजेना बोली से कथा मध्य कहिछन्ति। जेते अभियोग लगे पुलिस क्रेडिबिलिटी समस्ते जानती कहा को धमक फमक ना जी मत धमक दे सोशल मीडिया रे कथा किसी असुविधा ना मो पुआटा कौन कर जानी कि जानी मो पु कथबार्ता खूब कैर ताकू भी लोक मैंने उल्टा सीधा कथा कहते किए क्या बेसी कर कम कर जजमेंट जस्टिस इज देयर किंतु मुझे जानी तार कौन क्रिमिनल रेकर्ड कौटी ना सालेपुर कोर्टे सैयद हसन को हाजर करा परे चारि दिन ट्रांजिट रिमांड रे नेबा को यूपी पुलिस को अनुमति देछंती कोर्ट पुलिस आसिकी एठी सालेपुर पुलिस को सहायता रे कुसम्बी ग्राम सालेपुर रु तांको टेलीफोन कॉल रु ट्रेस करी तांको अरेस्ट करी आवेदन करथले तांको चारि दिन पई नै। अन्यपटे आज कटक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अदालत में सैयद हसन को पुलिस हाजर करने को नेबा बेले हसन को मानसिक स्थिति ठीक नथिबा कथा तांको वकील कोर्ट में दर्शाई थी। दीप परिजा और दीपक षडंगी कटकु देवीप्रसाद महांती रिपोर्ट न्यूज।